और अनु आपके पास आ रहे हैं, किस तरीके की तस्वीर अहिल्या बाई घाट पर दिख रही है? तो अनु के पास जाएंगे। अनु क्या आप हमें सुन पा रही है? बिल्कुल, जो तस्वीरें हमने देखी जहां गंगा घाट पर अलग अलग रंग नजर आते हैं, और जैसा जया आपने कहा था कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें ये गंगा आरती देखने का मौका मिल रहा है, और क्योंकि एक ही सूत्र में ये सभी घाट बंधे हुए हैं तो अलग अलग नजारे यहाँ पर हम देख रहे हैं। और इस वक्त आरती की कुछ खास तस्वीरें हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वही आरती है जो विश्व प्रख्यात है, ये वही आरती है जिसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखेंगे, और उस समय जो खूबसूरती घाटों पर नजर आएगी और जो जोश नजर आएगा आरती के मंत्रों में, वो देखते ही बनेगा। और यही मंत्र है जो पढ़े तो काशी से जाएंगे लेकिन इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देगी, और यही तो काम भारत ने किया है, यही गूंज तो भारत ने पूरे विश्व में सुनाई। और मोइन आपके पास आ रहे हैं, गोदौलिया चौराहे की अगर हम बात करें तो किस तरीके से वहाँ भव्यता है, क्योंकि जितने भी विशिष्ट अतिथि बनारस में आ रहे हैं इस आयोजन में शामिल होने के लिए, वो कॉरिडोर के साथ ही साथ बनारस को भी देखेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि काशी के कोने कोने से, काशी के कण कण में आज भारत का धार्मिक और आध्यात्मिक वैभव झलक रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं काशी के गोदौलिया चौराहे पर, और हम आपको उस रास्ते की तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो विश्वनाथ धाम की तरफ जाता है। देखिए कितनी खूबसूरती इसके साथ इस रास्ते को सजाया गया है, बिजली की आकर्षक सजावट की गई है, और जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी इमारतें हैं, सबको भगवा रंग में रंग दिया गया है, एक रंग में पूरा रास्ता नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है बिजली की आकर्षक सजावट को देख करके कि मानो हजारों सितारे आसमान से नीचे जमीन पर आ गए हों, ऐसा लग रहा है कि मानो आज फिर से दीपावली का मौका हो। काशी बिल्कुल आज उसी तरीके से जगमग है जैसा पिछले महीने दीपावली के मौके पर थी, और काशी के घाटों को देखने के लिए विश्वनाथ धाम का जो कॉरिडोर है जिसका लोकार्पण होना है, उसको देखने के लिए आज इतनी भीड़ इन रास्तों पर उमड़ पड़ी है कि तिल रखने तक की जगह नहीं है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जो भव्यता नजर आ रही है, बहुत ही भव्य है। नरेंद्र जी के स्वागत की पूरी तैयारी है, बहुत ही भव्य नज़ारा है, जाके जरूर देखना चाहिए एक बार। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या कहना है, जो भव्यता दिख रही है काशी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतने बढ़िया काम में देखा नहीं हूँ। बिल्कुल, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अलौकिक और अद्भुत तस्वीरें हैं, अलौकिक नजारा है जिस पर से नजरें हटाए नहीं हट रही हैं। जो भी एक पल इनको निहारता है वो बिल्कुल इन पर से अपनी टकटकी हटा नहीं पाता है, और बिल्कुल वही लोग कह रहे हैं कि अलौकिक है। और अलौकिक चाहे 80 घाट की बात करें, दशाश्वमेध घाट की बात करें, काशी कणकण में अद्भुत है। और एक बार फिर से विश्वनाथ धाम का रुख कर लेते हैं, नीतीश बने हुए हैं। नीतीश, तमाम जो मेहमान हैं उनके आने का दौर शुरू हो गया है, कितने बजे से कल ये लोग विश्वनाथ धाम में पहुंचने लगेंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या अरेंजमेंट है वहां पर उनके बैठाने के या फिर उनको उस पूजा पाठ में शामिल करने का? अध्यक्ष, पहले तो आज शाम का बता दूं कि अभी थोड़ी ही देर बाद जब सीएम सर्किट हाउस पहुंच जाएंगे तो उसके बाद विश्वनाथ धाम में भी यहां पर यूपी के मुख्यमंत्री आएंगे, इसके बाद तब तक विशेष इस भव्यता को दिखाते रहें। और जो यहां का जो कल का जो रूटीन है, कल का जो प्रोटोकॉल है, वो बता दूं कि जिन मेहमानों को आना है, संत महात्माओं का यहाँ पर आना सुबह से ही शुरू हो जाएगा, जो पूजन प्रक्रिया है वो सुबह से ही शुरू हो जाएगी, और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद जब यहां पर पहुंचेंगे तो उन्हें एक विशेष प्रकार का भगवा दुपट्टा यानी अंग वस्त्र उन्हें भेंट किया जाएगा जिस पर काशी विश्वनाथ धाम अंकित होगा, और पंचमुखी रुद्राक्ष उस अंग वस्त्र पर विराजमान है। तो काशी की परंपरा के अनुसार अगर बात करें तो महादेव के दरबार में उनके सबसे बड़े भक्त बात करें तो उनके सबसे बड़े भक्त कहे जाने वाले काशी के सांसद को यहाँ पर अंग वस्त्र दिया जाएगा। उसके बाद जब लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर पूरा हो जाएगा
दो प्रधानमंत्री फिर एक बार क्रूज पर सवार होंगे और यहां से जो आगे बढ़ेंगे उस दौरान जल विहार करेंगे। दिन में घाटों की छटा को निहारेंगे प्रधानमंत्री और इसके बाद रविदास घाट पहुंचेंगे। रविदास घाट से प्रधानमंत्री फिर बरेका जाएंगे और फिर एक बार बरेका से वापस आएंगे और इस दौरान जो रोरो बोट है, रोपैक्स बोट है, उस पर सवारी करेंगे। और जब प्रधानमंत्री रोपैक्स बोट पर सवारी कर रहे होंगे, बिल्कुल, तो पूरा ये कार्यक्रम है और लगातार ये कार्यक्रम भी दिखा रहे हैं। आपके साथ भी बहुत सारे मेहमान बने हुए हैं, मोइन के साथ भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ भी संत महंत और वैदिक लोग बने हुए।